क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है कि हाँ हमारी शादी हो गई है। अब अच्छा इसमें अच्छा किसी को प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आप ही थे जो आप बता रहे थे शादी वादी करने के लिए। जी हाँ जी, मैंने बुलाया था आपको। अच्छा तो क्या मैटर था बताओ जरा एक बार। जी देखिए, इन्होंने मतलब मुझसे कर्जा लिया था, हाँ हाँ तो वो कर्जा ये चुका नहीं पा रहे हैं, अच्छा और इनके बेटे पे मेरा दिल आ गया है। अच्छा दिल आ गया। जी तो मैंने कहा कि कर्जा की जगह फिर अपने बेटे से शादी करा दो, आपका कर्जा भी माफ हो जाएगा हाँ हाँ और मेरी शादी भी हो जाएगी। अच्छा 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 जी तो क्या तुम शादी करवाना चाह रहे हो इसकी? हाँ जी मैं करवा दूंगा, मेरे में 50 लाख का कर्जा है इनका। 50 लाख का कर्जा? हाँ जी। तो तो तुम फिर मैं इसकी नहीं दे पा रहा ना, तो मेरा बेटा उतार देगा शादी करके। शादी करके फिर ये कर्जा माफ हो जाएगा? हाँ जी अच्छा मैं माफ कर दूंगी बिल्कुल, अगर ये शादी करा देंगे ना हाँ। तो जितना भी एक एक पैसा मैं माफ कर दूंगी। अच्छा शादी करा के? हाँ जी। अच्छा 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 हाँ जी। तो एक बात बताओ, जैसे आप ये बाबू आपको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो यार भाई मेरे साथ मेरा बेटा है, वो कोई दिक्कत क्यों होगी? कोई परेशानी नहीं है उसको ना, ना बच्चे कोई को? दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना, शादी करा दोगे? शादी करवा देंगे हम, कर्जा माफ हो जाएगा, गरीब अच्छा आदमी कर्जा कहाँ से देगा। अच्छा 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 इसीलिए मतलब ये है कि कर्जा उतर जाएगा मेरा। बाकी मैडम कह रही थी कि मतलब मैं आपको अपने साथ रख लूँ, मैडम ने ये भी बोल दिया है कि मतलब हमारे पूरे परिवार को ना अपने वहीं पर रख लेंगे, घर बनवा दिया हमारे लिए इन्होंने। अच्छा अच्छा घर बनवा दिए? हाँ तो वहाँ पे आपको रखेंगे। बाकी प्रॉपर्टी वगैरह भी मैडम देखो, मैं मेरे पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे पास BMW है। अच्छा जी तो वो मैं इसके नाम कर दूंगी, प्रॉपर्टी एक एक पैसा बैंक बैलेंस जो भी है सब कुछ इसके नाम कर दूंगी मैं अच्छा, शादी के बाद। हाँ 18 साल का जब हो जाएगा ना, इसको थोड़ी समझ आ जाएगी, अच्छा, मैं इसको अच्छा, समझा दूंगी। उसके बाद जो भी है मेरी मतलब बिजनेस की जो चेयर है इसको नाम मैं दे दूंगी। अच्छा 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 तो वही है। तो भाई साहब आपने कर्जा वैसे लिया क्यों था इतना? मैं मैडम के ड्राइवरी करता था, इनकी गाड़ी एक बार मैं गलती से ठुक गई थी, फिर मेरे को अपना घर भी लेना था, तो इनके पिताजी से मैंने पैसे ले लिए थे कि मैं अपना घर बनवा लेता हूँ, फिर वो भी बीच में रह गया, तो अच्छा, कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया मेरे ऊपर, मतलब लेते लेता रहा बीच में, छोटी छोटी का कर्जा कर लिया। हाँ छोटी छोटी जरूरतों के चक्कर में 50 लाख का कर्जा कर लिया। अच्छा तो अब ये शादी कर लेगा तो मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। अच्छा ये बच्चे माँ बाप तो करती हैं बच्चों के लिए, अब की बार बच्चे कर रहे हैं माँ बाप के लिए, मतलब माँ बाप पहले बच्चों के लिए करते थे, बच्चा कर रहे हैं माँ बाप हाँ के लिए। जी, हाँ जी। तो बाबू तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? अरे कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है ना, ना। जब उनको अच्छा दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है, देखो अब कोई दिक्कत अगर बच्चा खुद कह रहा है तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। हम तो बस ये दिखाना चाह रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे भी होता है। तो आप माला वाला लाए हो शादी के लिए? हाँ जी हाँ जी, मैं लेके आया हूँ बकायदा। अच्छा तो दिखाओ फिर। आओ बेटा खड़े हो, शादी करनी है आपको, ठीक है इधर आ जाओ सामने आ जाओ, है ना। लीजिए मैडम डालो। है ना, लो हो गई शादी भाई, हो गई भाई शादी हो गई। अब मंदिर से आप पहले करके आए थे शादी? जी अभी मंदिर से तो नहीं करी, अभी हम करेंगे। अच्छा करो, मंदिर में भी करवा देंगे। अच्छा अच्छा अभी परमेश्वर हो गए इनके। अच्छा अच्छा अभी यहाँ दिखा दिया कि हाँ माला डाल दिया तो हाँ जो हिसाब से रोका हो गया है। हाँ, अच्छा 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 मतलब हमारा रिश्ता जो भी है क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है हाँ। कि हमारी शादी हो गई है। अच्छा अब इसमें अच्छा किसी को प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी किया हमने खुल्लम खुल्ला सबके सामने किया है, सबके सामने ही शादी करी है, हाँ ये तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ये तो है जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मतलब ये बात है। हाँ जी। तो आपकी अब यहाँ इससे शादी हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा तो आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज 32। 32 और बच्चे की क्या है? ये 8 साल का है जी। 8 साल का? 8 साल का बच्चा 30 साल से मतलब 30 साल 32 साल। और आपको तो वैसे कोई इतराज होगा नहीं, अभी तो बच्चा ही है। देखिए मुझे क्या इतराज है, मुझे तो इसके ऊपर दिल आ गया, मुझे तो ये पसंद आ गया है। अच्छा तो अच्छा मुझे इतराज क्या हो गया, जब प्यार हो गया तो प्यार में इतराज क्या। अच्छा अच्छा तो बाबू आपको हुआ प्यार इससे? हाँ हो गया। हो गया प्यार? हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 तो दोनों का दिल आ गया एक दूसरे में? हाँ दोनों का दिल आ गया। अच्छा अब दोनों राजी हैं तब जाके शादी हो रही है? शादी करवा रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो कोई बात नहीं मैडम। देखो हम तो वही है, अब जो आप करने थे वो हमने वीडियो भी इसलिए बना ली कि हाँ औरों को दिखा सकें कि आप शादी कर रहे हो, ये वो प्यार तो की भी उम्र नहीं होती। हाँ प्यार की तो वैसे ये तो है ही जी, ये तो बात वैसे आपने सही कही, पर वही है जिस हिसाब से बच्चे की भी शादी हो गई और आपकी भी हो गई है ना, तो फिर मेरा 18 साल के बाद इनकी प्रॉपर्टी का भी मालिक बन जाएगा मैडम। सारी प्रॉपर्टी सारी नाम कर दूंगी, इनकी फैमिली मतलब इनके मम्मी पापा जो भी फैमिली है
सारे मेरे घर रहेंगे, सारे घर रहेंगे। हाँ, किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, जो भी है मतलब खुले दिल से मैं इस पे लौटाऊंगी। अच्छा, जो भी है जितना पैसा है इसको जो भी चाहिए सारी चीजें दूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है जी, समझ गया मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर जिस हिसाब से आप दिखा रहे हो तो फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हम अब 18 साल के बाद प्रॉपर्टी सारी नाम दियो जी। हाँ, आपको भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, भटकना नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या बताएं फिर, अब आप जैसा दिख रहा है तो वैसा है मामला, तो क्या बोल सकते नहीं। बस भाई फिर ठीक तो है। और चलो कोई बात नहीं, फिर अब अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो फिर हम भी क्या ही बोलेंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ठीक।